हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक माइक की, जो कि मैं आईफोन में यूज़ करने के लिए मैंने मंगाया है। और मैंने कुछ दिन पहले उसके लिए ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी जब मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने दराज एक एप्लीकेशन है उससे मंगाया है। और दराज से कैसे शॉपिंग करते हैं ये मैंने एक वीडियो बनाई थी डिटेल में, कि हम लोग कैसे कोई सामान मंगा सकते हैं। उसी टाइम पे मैंने ये माइक ऑर्डर किया था और ये माइक मुझे आ गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे ये पैकिंग आती है, पैकिंग यही आती है दराज की, तो मैं इसको काट लेता हूँ। देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग को मिल रहा है माइक में। इसकी प्राइसिंग तो मैंने उस टाइम भी बता दी थी और मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। इसको खोलते खोलते इसकी प्राइस बात कर लेते हैं। ये मुझे पड़ा था 1610 रुपये में, यानी कि ये इंडियन अगर हम जोड़ लेंगे तो ये पड़ा मुझे 1006 रुपये में इंडिया के। तो जैसे ये बॉक्स है इसका, और इसका नाम है K8 वायरलेस माइक्रोफोन। ये K8 वायरलेस माइक्रोफोन आता है, जो वायरलेस एक माइक है। जैसे नॉर्मली माइक क्या होते हैं कि अगर सस्ता माइक हम लोग खरीदते हैं तो सस्ते माइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो वायरिंग वाला आता है। तो मैंने जितने माइक देखे हैं सबसे सस्ते में वायरलेस माइक यही है। अब बाकी इसका मैं देख रहा हूँ, अभी खोल के दिखा देता हूँ आपको कि इसमें हम लोग को क्या क्या मिल जाता है। तो देखिए इसको खोल लेते हैं और इसके साथ में हमें क्या क्या मिलेगा वो भी देखते हैं। ये वो इसकी अनबॉक्सिंग। और ओके, ओ ये आया है टाइप सी। ये टाइप सी है जो कि मैंने मंगाया था ये आईफोन के लिए, लेकिन ये आईफोन में नहीं लगेगा, तो मुझे इसके लिए एक कनेक्टर लाना पड़ेगा, जो कि कनेक्टर ला के ही ये आईफोन में लग पाएगा। बाकी देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक कनेक्टर आ जाएगा इसके लिए। एक इसमें मिला है ये जो कि मोबाइल में लग जाता है। ये मोबाइल में लगने के बाद में इसमें एक बत्ती है वो लाल हो जाती है। उसके बाद में जो हम लोग यहाँ पे मेन है ये चार्ज करना पड़ेगा हम लोग को। ये चार्ज नहीं करना पड़ता है क्योंकि मोबाइल में लगता है तो मोबाइल से अपने आप ही चार्ज होता रहता है, लेकिन ये जो है जो हमें कॉलर पे लगाना होता है इसको हमें चार्ज करना होता है। और ये जो चार्ज करना है हम लोग को, इसकी जो बैटरी की ऐसे बोला गया है कि ये कम से कम एक बार चार्ज करने पर 8 दिन आराम से चल जाएगा। हालांकि ऐसा देखते हैं, क्योंकि आदमी ऐसे यूज़ भी कितना ही करता है, मान लीजिए दिन में 10 मिनट 15 मिनट यूज़ कर सकता है इंसान ज़्यादा से ज़्यादा, तो चल जानी चाहिए आराम से इतनी, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं। इसके ऊपर देखते हैं, ये पोलोथीन दी हुई है। ओके, पोलोथीन के नीचे है इसकी डिस्प्ले, यहाँ पर जो लाइट जलेगी और जो इसकी बैटरी दिखाएगा वो यहाँ पर दिखाएगा। अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं, अभी इसमें बैटरी है क्या। हाँ देखो, ये बल्ब जल गया होगा, आपको दिख रही होगी ये लाइट बबलिंग कर रही है, अभी ये जल रही है। इसी तरह से सेम इसमें होनी चाहिए। ये भी मैं देख लेता हूँ अभी खोल के आपके सामने। इस पर दोनों साइड में पोलोथीन दे के भेजा है, एक साइड से उतर गई है और ये दूसरी साइड से। अब इसमें तो ऐसे कोई बटन नहीं दिया है, क्योंकि ये तो मोबाइल में लगाएंगे तो मोबाइल से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। जब मोबाइल में लगेगा उसके बाद ही इसकी जो लाइट है वो जलेगी, क्योंकि इसकी लाइट जो है डिस्प्ले में दी हुई है, डिस्प्ले में जलेगी। इसकी डिस्प्ले से थोड़ी सी ऊपर लाइट दी हुई है, ये जो जल रही है। और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ऐसे ये दिया है इसमें लगाने के लिए, ये है ताकि आपकी जो आवाज़ है वो अच्छे से आ पाए, बाहर की आवाज़ इसमें नहीं आए। ऐसे तो उसने बोला तो यही है कि इसमें आपको बाहर की जो बैक साइड की आवाज़ है वो नहीं आएगी, बाकी इसको यूज़ करके ही पता चलेगा। आप देखते हैं इसके साथ में हमें और क्या चीज़ मिली है। ये तो दोनों हो गए, ओके। उसके साथ है ये, कुछ नहीं है इसमें, और एक चीज़ दे रखा है, पता नहीं शायद क्या होगा। ये तो इसका थर्माकोल है, ये बॉक्स है, ओके। एक चीज़ और है, अब देखते हैं इसमें क्या है, शायद कनेक्टर हो इसके। नहीं, इसमें है डाटा, ओके। ये इसको चार्ज करने के लिए दिया, ये इसमें लगेगी। टाइप सी है ये भी, ऐसे टाइप सी नॉर्मली मिल ही जाता है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा किया कि टाइप सी दिया है। और ये इसका USB-C है, अब देख लेते हैं इसको। अभी मैं अगर चार्ज पर लगा के देखूँ तो नॉर्मली पता चल जाएगा अभी चार्जिंग पे लगा के, तो मैं इसको लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप में के चार्जिंग पे, देखते हैं कैसी लाइट जलती है ये। ओके, अगर हम चार्जिंग पे इसको लगा रहे हैं तो ये रेड हो जा रही है, अभी ये बफलिंग नहीं कर रही है, खाली रेड होके हो गई है लाइट। तो ये इसकी पहचान है कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और ये मेरी अनबॉक्सिंग मैंने जो की है ये अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये माइक चाहिए हो तो इसकी मैं पूरी डिटेल यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू दूंगा आपको कि आपको ये मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपये में तो मुझे नहीं लग रहा है ये कोई महंगा है, क्योंकि इसके अगर हम ऑनलाइन प्राइस भी देखते हैं तो वो 900 कुछ रुपये दिखाता है, लेकिन वही घर आने के बाद में 1,000 IC का पड़ जाएगा मिनिमम। और इसके बाद खाली इसमें दिया है कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ऐसे मोबाइल का तो एकदम फेंक देते हैं, लेकिन इससे देख के हम लोग इसको यूज़ करना सीख सकते हैं इजीली, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल दी है कि किसको हम क्या कर सकते हैं कैसे हम लोग, ये और भी लंबा है जी, हाँ, तो इसकी काफ़ी अच्छी डिटेल दी हुई है इसमें, ताकि कोई भी आदमी इसको यूज़ करने के लिए इसको देख के यूज़ कर लेगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।